को तू कौन होता है? वो बोला सर बिना आई डी वोट नहीं, फिर मैं एडीएम हूँ ऐसा बोला उनको। फिर मेरी उन्होंने डर के मारे, भाई सर मेरे को पता नहीं है तुम एडीएम को कौन है, वो बोल भाई आम जनता है, इसी वजह से मैं बोला सर मेरे को माफ़ कर दो, ये बोला उसने टीचर ने। और फिर उनका है ना मेरी पर्ची निकाल कर मैं वोट दे के आई, फिर मैं वापस आ गई, फिर उसके में टीचर भी गया, टीचर भी वोट डाल के आए, नहीं टीचर ने भी हाथ जोड़ लेते, सर मैं तुम्हारी माफ़ी मांगता हूँ पर मेरे वोट मत लो, मुझे वोट मत डलाओ, मैं बाद में दे दूँगा, शाम तक का हो तो सर मैं कभी वोट दे दूँगा। मतलब गांव का मुद्दा था इसलिए आप सब लोग एकजुट से वोट नहीं देना चाहते। सर तेली क्या गुज्जर राजपूत हर समाजा सब समाज एक साथ थे, हम हमारे यही कौन थी भाई, तुम कांग्रेस को तुम बीजेपी के हो, कोई हमको कुछ लेना देना नहीं है। आपको डरा धमका के वोट डलाएगा आप कहना चाह रही हैं, मतलब आपने स्वेच्छा से वोट नहीं दिया था? नहीं, स्वेच्छा से वोट नहीं दिया था सर मैंने। और लोगों को जो वोट डलाए गए आप बता रही, आपके पति विकलांग हैं उनको भी लाया गया, दिव्यांग उनको लाया गया, उनका वोट भी डलाया गया, उनको भी मैंने मना कर दिया सर इनका वोट मत डालो नहीं तो अभी लड़ाई हो जाएगी, उतने में पब्लिक को पता चल गया, फिर उनको ना थप्पड़ खींच दिया कलेक्टर को एटीएम को। देखिए समरावता गाँव के अंदर जिस दिन मतदान दिवस था यानी कि 13 तारीख को एक घटना हुई, और घटना यह थी कि ग्रामीण लोग अपने मतदान का बहिष्कार किए हुए थे, उनकी सिर्फ मांग थी कि उनको जो देवली उपखंड में शामिल किया गया है वो गलत है, उसकी जगह उनको उनियारा उपखंड में शामिल किया जाए। वहाँ एक आंगनवाड़ी सहायिका थी, आशा सहयोगिनी थी, जिन्होंने मना किया कि मैं वोट नहीं डालूंगी क्योंकि मैं गांव के साथ हूँ, गांव की बेटी हूँ, गांव की बहू हूँ, लेकिन उनसे जबरिया वोट डलाया गया। वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। देखिए क्या बात हुई थी उस दिन पूरी? सर मेरे को उन्होंने ये बोला था भाई तुमको सस्पेंड किया जाएगा, वोट नहीं दूँ, तुम सरकार की मुलाजिम हो, सरकार का खाती हो तो वोट दो, वोट देकर सर मेरे पर, मैंने बोला उनको मेरे पास कुछ भी आईडी नहीं है, मैं आईडी लेके आती हूँ सर, नहीं बोले बिना आईडी का वोट डालो, सर मैं क्या करूँ, वो वापस आ गई, वापस आकर मेरे को ले जाके पकड़ के बीच में ले गए, बीच में ले जाकर बोले इसकी पर्ची निकाल, एक टीचर था कौन था क्या पता, उन्होंने मना किया सर बिना आईडी का वोट, को तू कौन होता है, वो बोला सर बिना आईडी वोट नहीं, फिर मैं एडीएम हूँ ऐसा बोला उनको। फिर मेरी उन्होंने डर के मारे, भाई सर मेरे को पता नहीं है तुम एडीएम को कौन है, वो बोल भाई आम जनता है, इसी वजह से मैं बोला सर मेरे को माफ़ कर दो, ये बोला उसने टीचर ने। और फिर उनका है ना मेरी पर्ची निकाल कर मैं वोट दे के आई, फिर मैं वापस आ गई, फिर उसके में टीचर भी गया, टीचर भी वोट डाल के आए, नहीं टीचर ने भी हाथ जोड़ लेते, सर मैं तुम्हारी माफ़ी मांगता हूँ पर मेरे वोट मत लो, मुझे वोट मत डलाओ, मैं बाद में दे दूँगा, शाम तक का हो तो सर मैं कभी वोट दे दूंगा। मतलब गांव का मुद्दा था इसलिए आप सब लोग एकजुट से वोट नहीं देना चाहते थे। सर तेली क्या गुज्जर राजपूत हर समाजा सब समाज एक साथ थे, हम हमारे यही कौन थी भाई, तुम कांग्रेस को तुम बीजेपी के हो, कोई हमको कुछ लेना देना नहीं था। गांव का क्या मुद्दा था? गांव का मुद्दा था हमको उपखंड उनियारा से देवली में शिफ्ट किया है, वो 85 किलोमीटर पड़ती है हमको, अरे ये 15 किलोमीटर पड़ती है, हम वहाँ नहीं जाना चाहते, हम उनियारा में ही रहने चाह रहे, ये हमारा मुद्दा है। तो मतलब आपको डरा धमका के वोट डलाया गया, आप कहना चाह रही हैं, मतलब आपने स्वेच्छा से वोट नहीं दिया था? नहीं, स्वेच्छा से वोट नहीं दिया था सर मैंने। और लोगों को जो वोट डलाए गए आप बता रही, आपके पति विकलांग हैं उनको भी लाया गया, दिव्यांग उनको लाया गया, उनका वोट भी डलाया गया, उनको भी मैंने मना कर दिया सर इनका वोट मत डालो नहीं तो अभी लड़ाई हो जाएगी, उतने में पब्लिक को पता चल गया, फिर उनको ना थप्पड़ खींच दिया कलेक्टर को एटीएम को। किसने दबा दिया नरेश जी? मतलब कुल मिला के जबरदस्ती वोट डला रहे थे, सारा झगड़ा हुआ ये, और यही शाम को इसी वजह से फिर सब कुछ हुआ। और भी पुलिस वालों ने उनको थप्पड़ दिया था, सुबह ही पकड़ना था उनको, रात में क्यों मारा, पीटा करी किसानों के साथ, लेडीजों के साथ, बच्चों के साथ, उन्होंने दिन में ही कर लेते थे ना, वो क्यों नहीं किया उन्होंने उनको गिरफ्तार, रात में क्यों किया, गोली बारूद क्यों चलाई हमारे गाँव पे, हमारे किसानों को सबको बहुत नुकसान हुआ, किसी का तो मोटरसाइकिल जल गई, किसी को तो लगी सर मेरा माथा फूटा है, या लगी मेरी लड़की को बीच में डंडे दिए पुलिस वालों ने, छोटे छोटे बच्चों को पुलिस ने घर में घुस घुस के मारा है। मतलब आप वो मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम कर रही थी, उसके बावजूद आपके साथ ये हुआ? ये हुआ है सर, सारी जनता के साथ ये हुआ है हमारे गांव में। अब क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमको हमारा न्याय मिले, हर हमारे गांव में किसी को डराए धमकाए नहीं, हमको न्याय चाहिए, हमको वो हमारा ये लीडर वो छूट के चाहिए, हमारे बच्चे जो छूट के चाहिए, हमको हमारा न्याय भी, हमारी जितनी नुकसान भरे हमारी वो चाहिए हमको।
तो ये हैं आशा सहयोगिनी चित्रा मीणा, जिनका कहना था कि जिस तरह से पूरा ये मामला चला, यानी कि इनका वोट ज़बरदस्ती वहाँ डलाया गया, इनके परिवार के वोट डलाए गए, कुछ और लोगों के वोट भी ज़बरदस्ती डलाए गए, और उसी के बाद फिर ये सारे हालात बिगड़े और ये पूरा मामला बिगड़ा। राजस्थान तक के लिए टॉक्स में।